से शित इस देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, किसानों के नाम पर दिल्ली में इकट्ठे हो रहे ठेकेदार, जमींदारों और विपक्षी नेताओं के चमचों को धीरे धीरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भाव नहीं दे रहा, कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन अब राकेश टिकैत ने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी धमकियां दे दी हैं, जिनमें पहली तो यह है कि इस बार आंदोलन 13 महीने नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चलेगा। और दूसरी मगर सबसे इंपॉर्टेंट धमकी इस बंदे ने हरियाणा के सीएम यानी कि मनोहर लाल खट्टर को दी है और कहा है कि इस बार ट्रैक्टर तुम्हारी छाती पर चलेंगे। अब कोई हरियाणा वालों के घर में बैठकर हरियाणा वालों के सीएम को ही धमकी दे दे और हरियाणा वाले खामोश बैठ जाएं, इतने सीधे तो नहीं है हमारे हरियाणा वाले। अपने सीएम के समर्थन में और इन फर्जी किसान नेताओं के अगेंस्ट क्या कुछ कहा इन लोगों ने, चलिए देखते हैं ये वीडियो। हम तो भाई साहब भुक्तभोगी हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो क्या लग रहा है बार बार ये किसान आंदोलन, आपको लग रहा है कि इस तरीके बार बार आओ दिल्ली घेर लो, क्या इस तरीके से हल्ली कट जगह भाई साहब? इनका जब तक लठनी लगेंगे ना, ये समरेंगे नहीं, इनके अकल ठिकाने नहीं आवे। हम आगे बेका हुए इनके, ठीक है, और इबकी बार कोने आवे का, इबकी बार सीधे लठ मारेंगे, लठ लगेंगे। राकेश टिकैत तब भी कह रहे ट्रैक्टर लेके आवेंगे, कती नहीं बढ़ के देखो, इबके ने हम उतरेंगे इबके सड़क पे, देखो हमारे वोटर ने टूकर सील करके दिखाऊंगे, ये हम समारेंगे, खाल तारेंगे, खाल तारेंगे। हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे किले गाड़ी है ना, इनके चूतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए वो, हम इनके इतने साथ है। जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चूतड़ा पे कील गाड़ सके इनके। अन्ना हजारे का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था, सब कुछ कहीं लोग जागरता अंदर आराम से आंदोलन चले, आंदोलन सफल रहा। इनका स्टेन करवा दो, दारू की बोतल रोक दो, ड्रग्स रोक दो, आंदोलन में 4 दिन में बैठा दा दो। एक बात तो बताओ, कह रहे कि ये कैसा राम राज्य है कि भाई कील बिछा दी, घोड़े के बौछार हो रहे, एक तरफ राम राज्य की बात कर रहे, दूसरी तरफ अंधाधुंध तो लट्ठी बरसाई जा रही। भाई साहब मेरी बात सुनो, जब भी अगर देश महाराजकता फैलाने को कोशिश करेगा ना, तो सरकार को अपनी कुछ न कुछ घंटे बढ़ाने पड़ते और इनके लिए रास्ते थोड़ा खोल देंगे। हरियाणा वाले की बार इनकी बातें मानने वाले नहीं है, और वह कति लट ले गए, हर तरीके से इनकी कार्रवाई बिठाओगे। हमारे के लिए कुछ हो, मरना पड़ेगा, मर जाएंगे, पर अपने देश में मरना नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं दे, काटेंगे कति, संवारेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन में आता है फिर भी कोई आ जाओ, देश के खिलाफ जो चल रहेगा कति नहीं बर्दाश्त करे। आपने भी इतनी अनपढ़ थोड़े हैं, हमें माड़ी मोटी मारे भी भी समझ है कौन सही है कौन गलत है। पिछली बार क्यों गए थे? जब पिछली बार बस बैग गए, सिर्फ इन चीजों पे वो अपने जैसा सोचा सबने, ये था ना, चल भाई हो सकता है ये हमारे भाई है, कुछ ठीक होगा, लेकिन हम तो जब लूट पिट लिया ना, जब समझ में आई मारे ठोकर खा गए, समझ आया है ठोकर लाग ली मारे, अब नहीं, अब तो भाई साहब खाल तारेंगे। हरियाणा के किसानों को ये समझ में आया है, जो ये पंजाब सरकार है ये हमारे को यूजेबल कर रही है, हरियाणा आगे ले लो, क्यों? ये भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लत खाए हरियाणा, वाह वाई करे पंजाब। आप पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू सुना है दैया खापके का, वो ट्रक यूनियन के प्रधान है, उन्होंने स्पीच दी कि पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड गिरेंगे। अच्छा। पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। पिछली बार हरियाणा ने साथ देख के अपराध कराया, पिछली बार इनका साथ देगा, हम अपना झंडा तरवाया उड़े थे, उस तो बड़ी बदनामी कुछ नहीं है। पिछली बार साथ देगा हमारे प्रधानमंत्री जान पंजाब में खतरे में डलवाई हमने, पिछली बार साथ देगा हमने अपने हिंदू भाई के खिलाफ 4 लाख ट्रैक्टर किस्त का ऐलान कराया, अब हमने अपने भाई के खिलाफ ही इकट्ठे हुए, जो हमारे 15 रुपया इकट्ठा कराया ना, काम है घूमे उन गरीब आदमी रुपया लिया, इन्हें जिनका जमीन नहीं आती, और नू तम गागर रुपया लिया डोले बन चढ़ देंगे, और उस रुपये का यूज कड़ा होया मेवा तुम हमारे खिलाफ, हिंदुआ के खिलाफ है ये। अरे हम बताता है भाई साहब क्या बात कर रहे हो, भाई साहब ऐसा देखो ना, अभी कहने को कांग्रेस ने भी अपना नाम इंडिया रख लिया, उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया, तो इंडिया रखने से जीत थोड़ा जाएंगे, ये थोड़े जाएंगे, तो जितने भी है
सारे किसान ही है। किसान विरोधी सरकार है, 750 किसान पहले आंदोलन में मर गए, दो की मौत अब की बार भी होगी। मेरे काम में नहीं, मेरे काम में, मेरे काम में भी पास दो चार शहीद हो लिए, दारू पी का मर गया, तो शहीद कितने गए लोग, पुलिस आप कहीं दो लाख आदमी इकट्ठा कर दो, रोज के चार आदमी नेचुरल डेथ से मरेंगे, चार आदमी थोड़ा रोज के चार आदमी शहीद हो लग रहे हैं, एक साल में 1200 शहीद हो जाएंगे। भाई साहब गोली चला के मारा पुलिस ने, गोला ठीक तो मारा है, किस तरीके से पुलिस ने मारा, हम बैठे अपना कैंप लगा रहे, किसी का अटैक हुआ, किसी का कुछ हुआ, दारू पी का मर रहा है, हर गांव में मौत होती है, एक लाख की आबादी में रोज दो मौत होती है, तीन मौत होती है, एक साल आप बैठ के देख लो 700 शहीद हो जाएंगे। क्या दिखाई दे रही है आंदोलन की, एक तरफ चुनाव में क्या लग रहा, पूरा का पूरा एजेंडा चुनाव को लेके आया, क्या चुनावी मुद्दा है, रपिये खाने हिन्न है, तब ये भी पूछना पड़ेगा असली किसान हो या नकली हो। भाई ये हमारे खेत हैं, ये खेत हमारे खेत हैं, ये और असली किसान है, और हमारे पंजाब वाले भाई है, तो कह दो एसवाईएल का पानी लेगा आओ, जब बात करेंगे हम, यो बुरी काम है मेरा, काम करेगा, ये हमारा खेत है, ये हमारा बोला, जो किसानों के साथ है वही असली किसान है, जो विरोध कर रहा हो, तो वो असली किसान है ना, वो एसवाईएल का पानी दबा दे हमारे, फिर दूसरी बात होगी। पुराने बड़े बुड्ढे नुकारते, मेहनत करने कदे भूखा नहीं मरता, ठीक है, मेहनत करने कदे भूखा नहीं मर सकता, इन्हें मेहनत छोड़ दी। भाई साहब खेत में भी जाना हो तो गाड़ी लेके जाओ, है तड़की कोठड़े पे के पाओगा, डिस्पोजल कप प्लेट दारू की बोतल, ठीक है, बाध्य पर जमीन दे दी, ठीक है, वो कमाई थोड़ा बढ़ गई, महंगे गाड़ी महंगे कपड़े, टोल टैक्स पे फिर बदमाशी दिखानी, अगर टोल टैक्स नहीं दिया भाई सारे के गुंडागर्दी चल लगी के। भाई साहब पता क्या बात है, दर्द इस बात का हो रहा है, जो ठेकेदार थे ना मलाई खा दे बागड़ बिल्ली हो रहे, जो मलाई को नहीं मिलती, मलाई नहीं मिल रही है, आधा का आधा ने मलाई मिले तो मलाई बंद होगी, और कुछ ना मलाई मिलने का इंतजार था, वो आदमी 7-5 कर रहे हैं, वरना देश विरोधी नारे लगाने का कौन सा मतलब है, इन का किसान विरोधी है, क्यों किसान विरोधी है, जो खालिस्तान का नारा लगाओगा हम उसने पिटेंगे, जो प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल लगा उसने पकड़ेंगे हम, हमारा प्रधानमंत्री हो गया, हमारा देश का झंडा हो गया, ये चीज हमारी असमत है, हम इन्हें नू नहीं लाल जो खालिस्तान का झंडा लगाएगा हम उसको पीटेंगे, जो हमारे देश का झंडा उतारेगा हम उसको पीटेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलेगा हम उसको पीटेंगे। किसान हम भी हैं लेकिन हम इन लोगों की तरह हड़दंगी नहीं काट रहे, हम मेहनत करते हैं, मेहनत कर कमाते हैं, और मेहनत करके खाने वाला कमाने वाला कभी भी भूखा नहीं मरता, ये कहना है हरियाणा के किसानों का। ये वीडियो था न्यू मीडिया यूट्यूब चैनल का, जिसकी फुल वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इन सभी भाइयों में आपको किसका जवाब सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा मजेदार लगा, आप कमेंट कर बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।